सब्सक्राइब कीजिए सिविल नोटबुक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इसके पहले लेसन में हम लोग जाने थे डिफरेंट पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ ब्रिजेस के बारे में। दोस्तों, आज की लेसन में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिजेस के बारे में जानेंगे और कहां पर हम लोग इसको यूज करते हैं इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक देखिए, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज की लेसन को। दोस्तों, पहले हम लोग ब्रिज को डिवाइड करेंगे सुपर स्ट्रक्चर के अनुसार। दोस्तों, अगर आप लोग नहीं जानते हैं ब्रिज में सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है, बियरिंग क्या होता है, सब स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ऊपर आई बटन पे जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, सुपर स्ट्रक्चर के अनुसार हम लोग किसी भी ब्रिज को फोर टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है देखिए आर्च ब्रिज, दूसरा है गार्डर ब्रिज, तीसरा है ट्रांस ब्रिज एंड चौथा है सस्पेंशन ब्रिज। ओके दोस्तों, पहले हम लोग बात करते हैं आर्च ब्रिजेस के बारे में। दोस्तों, ये आपका कार्प शेप का होता है। ओके दोस्तों, इनमें हॉराइजेंटल थ्रस्ट जेनरेट होता है। इन हॉराइजेंटल थ्रस्ट को रेजिस्ट करता है अबटमेंट एंड पियर्स। दोस्तों, इधर आप लोग एक आर्च ब्रिज को देख सकते हैं। ओके दोस्तों, ये है एक आर्च, ये है दूसरा आर्च, ऐसे बहुत सारा आर्च मिलकर बना है। दोस्तों, ये है इस ब्रिज की पियर। ओके अब दोस्तों, किसी किसी केस में क्या होता है, डेक स्लैब के नीचे ही आपका आर्च होता है। दोस्तों, ये है आपका आर्च, ये है डेक स्लैब। ओके इस केस में देखिए, ये है आपका डेक स्लैब। अब दोस्तों, सेकंड टाइप ऑफ ब्रिज है देखिए गर्डर ब्रिज। दोस्तों, इनमें जो डेक स्लैब है, ये है आपका डेक स्लैब। ओके ये रेस्ट करता है गार्डर के ऊपर। दोस्तों, डेक स्लैब से लोड पहले गार्डर में ट्रांसफर होता है, उसके बाद गार्डर से पियर्स में आपका लोड ट्रांसफर होता है। सो दोस्तों, इधर आप लोग देख पा रहे हैं गार्डर्स, यहां से देखिए जो लोड है वो आपका ट्रांसफर होता है पियर में। ओके अब दोस्तों, गार्डर भी डिफरेंट टाइप्स की हो सकता है। हो सकता है स्टील गार्डर, हो सकता है बॉक्स गार्डर, हो सकता है आपका प्लेट गार्डर। ओके दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं ट्रांस ब्रिजेस के बारे में। दोस्तों, इस तरीके की ब्रिज जनरली स्टील का बना हुआ होता है। दोस्तों, इस तरीके की ब्रिज आप लोग रेलवे में जनरली देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें बहुत सारा मेंबर्स मिलके देखिए ट्रायंगल यूनिट बनाता है। एक ट्रायंगल है, ये दूसरा ट्रायंगल है, ये तीसरा ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, ऐसे आपका बहुत सारा ट्रायंगल फॉर्म करता है। ओके अब दोस्तों, बात करते हैं सस्पेंशन ब्रिज के बारे में। सस्पेंशन नाम से ही आपका पता चल रहा है। दोस्तों, ये है इस ब्रिज की डेक स्लैब। ओके यहां पर देखिए, ये है इस ब्रिज की डेक स्लैब। दोस्तों, ये जो डेक स्लैब है, ये आपका केबल एंड सस्पेंडर की मदद से देखिए झूल रहा है। ओके दोस्तों, ये है देखिए केबल, इनके मदद से देखिए ये जो डेक स्लैब है, ये आपका झूल रहा है। कहां पर हम लोग इसको यूज करते हैं? दोस्तों, लॉन्ग स्पैन ब्रिजेस के लिए हम लोग इस तरीके की ब्रिज को यूज करते हैं। दोस्तों, इस तरीके के ब्रिज देखने में भी बहुत सुंदर होता है। ओके अब दोस्तों, ब्रिज को हम लोग मटेरियल्स के अनुसार भी हम लोग कई टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है देखिए टिम्बर ब्रिज, दूसरा है मैसनरी ब्रिज, तीसरा है स्टील ब्रिज, चौथा है आरसीसी ब्रिज एंड लास्ट टाइप है आपका प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट ब्रिज। दोस्तों, पहला पिक्चर पे आप लोग देख सकते हैं, ये है आपका टिम्बर ब्रिज। दोस्तों, ये टिम्बर की लॉग, बैटन एटसेट्रा, ये सबसे आपका बनता है। दोस्तों, इसको हम लोग शॉर्ट स्पैन के लिए यूज करते हैं। ओके शॉर्ट स्पैन के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। ये ज्यादा हेवी लोड नहीं कैरी कर सकता है। सिर्फ देखिए जो इंसान है, इंसान की लोड, उसके साथ साथ साइकिल, मोटरसाइकिल, ऐसा छोटा छोटा जो व्हीकल्स होता है, इनका लोड ही कैरी कर सकता है। ओके अब दोस्तों, दूसरा पिक्चर पे आप लोग देख सकते हैं मैसनरी ब्रिज। दोस्तों, मैसनरी ब्रिज जो होता है, ये आपका बनता है स्टोन एंड ब्रिक को मिला के। दोस्तों, इसको भी हम लोग शॉर्ट स्पैन
के लिए यूज करते हैं। दोस्तों इस तरीके की ब्रिज ओल्ड एज में बहुत यूज होता था, अब इनका यूज बहुत घट गया है। ओके दोस्तों, इस तरीके की ब्रिज को हम लोग ज्यादातर लो डेप्थ कैनल के ऊपर बनाते हैं। दोस्तों तीसरा टाइप है स्टील ब्रिज। ओके दोस्तों, ये है स्टील ब्रिज। ज्यादातर आप लोग रेलवे में इस तरीके की ब्रिज को देख सकते हैं। ओके ये दोस्तों हेवी लोड कैरी कर सकता है, ड्यूरेबल भी होता है। ओके उसके बाद देखिए फोर्थ पिक्चर पे आप लोग देख सकते हैं आरसीसी ब्रिज। दोस्तों आरसीसी का मतलब होता है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। दोस्तों इस तरीके की ब्रिज बहुत फेमस है, ज्यादातर आप लोग इस तरीके की ब्रिज को देख सकते हैं। ओके दोस्तों ये ड्यूरेबल भी होता है और हेवी लोड भी ये कैरी कर सकता है। अब दोस्तों लास्ट है देखिए प्री स्ट्रेस कंक्रीट ब्रिज। दोस्तों प्री स्ट्रेस कंक्रीट क्या होता है, अगर किसी कंक्रीट मेंबर के ऊपर लोड आने से पहले हम लोग उस कंक्रीट मेंबर को अंडर कंप्रेशन रखते हैं, तब उस तरीके की कंक्रीट को हम लोग बोलते हैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट। ओके सो दोस्तों इधर आप लोग प्री स्ट्रेस कंक्रीट की बहुत मेंबर देख सकते हैं, तो इनको जोड़ के हम लोग इस तरीके की ब्रिज को बनाते हैं। ओके अब दोस्तों स्पैन के ऊपर डिपेंड करके हम लोग ब्रिज को कई टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला है देखिए कलभट ब्रिज, दूसरा है माइनर ब्रिज, तीसरा है मेजर ब्रिज एंड चौथा है लॉन्ग स्पैन ब्रिज। ओके सो दोस्तों ये है देखिए कलभट ब्रिज, आप लोगों ने देखा ही होगा। दोस्तों इनमें देखिए स्पैन बहुत ही कम होता है, अगर दोस्तों स्पैन 8 मीटर से कम होता है उस केस में हम लोग इस तरीके की ब्रिज को यूज करते हैं। दोस्तों दूसरा पिक्चर पे है देखिए माइनर ब्रिज। ओके दोस्तों माइनर ब्रिज की जो स्पैन होता है वो आपका 8 मीटर से 30 मीटर के अंदर होता है, 8 मीटर से लेके 30 मीटर के अंदर होता है। ओके दोस्तों तीसरा पिक्चर पे आप लोग देख सकते हैं मेजर ब्रिज को। ओके दोस्तों इनमें जो स्पैन होता है ये आपका होता है 30 से लेके 120 मीटर के बीच। ओके अब दोस्तों फोर्थ पिक्चर पे आप लोग देख सकते हैं एक लॉन्ग स्पैन ब्रिज को। ओके दोस्तों इनमें जो स्पैन होता है ये स्पैन 120 मीटर से ज्यादा होता है। ओके उस केस में हम लोग इसको कहेंगे लॉन्ग स्पैन ब्रिज। अब दोस्तों ब्रिज के फंक्शन के ऊपर डिपेंड करके भी हम लोग ब्रिज को कई टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है देखिए फुट ब्रिज, दूसरा है हाईवे ब्रिज, तीसरा है रेलवे ब्रिज, चौथा है एक्वीडक्ट ब्रिज एंड फिफ्थ वन इज रोड कम रेलवे ब्रिज। ओके अब दोस्तों बात करते हैं पहला टाइप है देखिए फुट ब्रिज। दोस्तों इस तरीके की ब्रिज आप लोग स्टेशन में देख सकते हैं, लोग रेल लाइन क्रॉस करने के लिए इस तरीके की ब्रिज को यूज करते हैं। इस ब्रिज के सहारे दोस्तों एक प्लेटफॉर्म से हम लोग दूसरे प्लेटफॉर्म में जा सकते हैं। ओके दोस्तों इस तरीके की ब्रिज आप लोग हाईवेज में भी देख सकते हैं, जहां पर बहुत सारा ट्रैफिक गुजरता है वहां पर भी आप लोग इस तरीके की ब्रिज को देख सकते हैं। दोस्तों दूसरा टाइप है देखिए हाईवे ब्रिज। दोस्तों इनमें से ट्रक, बस, कार्स ये सब गुजरता है, तो इस तरीके की ब्रिज को हम लोग कह रहे हैं दोस्तों हाईवे ब्रिज। दोस्तों तीसरा है देखिए रेलवे ब्रिज। दोस्तों इनके ऊपर से सिंपल ट्रेन पास करता है। ओके अब दोस्तों देखिए जो फोर्थ पिक्चर पे आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों ये है आपका रोड कम रेलवे ब्रिज। ओके सो दोस्तों इस तरीके की जो ब्रिज होता है इनमें देखिए यहां पर है देखिए हाईवे, इसके ऊपर से देखिए ट्रक बस ये सब गुजर रहा है और दोस्तों नीचे देखिए आपका ट्रेन गुजर रहा है। ओके तो इस तरीके की ब्रिज को हम लोग कह रहे हैं रोड कम रेलवे ब्रिज। अब दोस्तों लास्ट है देखिए एक्वीडक्ट ब्रिज। दोस्तों ये एक वाटर बॉडी है और ये दूसरा वाटर बॉडी है, तो इसके ऊपर से देखिए ये वाटर बॉडी गुजर रहा है, तो इनके ऊपर से भी आपका बोट वगैरह स्टीमर वगैरह ये सब आपका गुजर सकता है, तो इसको हम लोग कह रहे हैं एक्वीडक्ट ब्रिज।